हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 304th एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर्स। तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज माय बैंकिंग पार्टनर। आई रियली वांट टू थैंक ऑल द स्पॉन्सर्स हु मेक राज की बात व्हाट इट इज। ग्लोबस आईटीआई कम टू यू फ्रेशली बेक्ड, ट्राई कॉस्ट, द चॉकलेट ब्रांड, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड यस ऑफ कोर्स a big thank you to Rosetta Elite Club. Well, when we talk about India, we talk about the future of India. वो कहते हैं ना कि फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे ही मौसम में प्यार जवां होता है, दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फलसफा नजरों से बयां होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाषणों से कुछ नहीं होगा, अब ये देश मेहनत से जवान होगा और मेहनत से ही शायद ये एक नया रूप, एक नया रंग लेकर आएगा। इस वक्त मेरे साथ हैं वो व्यक्ति जो हमको शायद आज ये समझाए, ये बताएं कि क्या भारत स्टैंड अप हो पाएगा, क्या भारत स्टार्टअप हो पाएगा। मेरे साथ इस वक्त है द वन एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव चांद सर। राजीव सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राज। राज की बात के 304th एपिसोड में आपका स्वागत है। सर, ये सुन के कैसा अच्छा लगता है, 304th एपिसोड, 304th। इट्स अनबिलीवेबल फेदर सिंस लास्ट सो मेनी डेज। आई थिंक डूइंग अ कंसिस्टेंट एफर्ट, यही चीज मेरे ख्याल से आज के यूथ को सीखनी चाहिए। ऑटोमेटिक यू आर एग्जाम्पल, लाइफ एग्जाम्पल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सर, क्या इंडिया स्टार्टअप हो पाएगा, क्या इंडिया स्टैंड अप हो पाएगा? स्टार्टअप के लिए पहले स्टैंड अप होना पड़ेगा। आपने बड़ा अच्छा क्लॉज नेम लिया है, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप। कोई स्टार्टअप बिना खड़े हुए चालू नहीं हो सकता। प्रिपरेशन करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और तैयार करने के बाद खुद को परखना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद जो प्रैक्टिकल नॉलेज की कसौटी होती है उसमें अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। तो ये आज के यूथ के लिए मैं अपना जो समय निकाल रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, हमारे से कई हजारों लोग हैं इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, जो लोग कई सीख चुके हैं, कई सारे जो गलती हमने पिछले 20 सालों में की है, 25 सालों में की है, ऐसी गलती अब नया जनरेशन के नए यूथ ना करें। वो सब चीजें दूसरों की गलती सीखे और कहीं ना कहीं जिसमें करने में बाकियों को 5 साल 10 साल लगे, वो शायद 1 साल 2 साल 3 साल में कर पाए। सर, पिछले बार मैंने आपके साथ एक शो किया था जो था आत्मनिर्भर भारत के बारे में। 26 जनवरी के दिन हमने ये शो किया था। काफी सारे लोगों को वो शो पसंद आया, हजारों लोगों ने वो शो देखा और सवाल मन में एक आया जो आखिरी में ये शो की जरूरत निकाल कर लाया, और वो ये था कि प्रोडक्टिविटी जो है, जो काम करने की क्षमता है, उसको क्योंकि युवा देश है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत ज्यादा है, काम करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सर, वर्किंग आवर्स हमारे जो है वो अभी भी 9 घंटे हैं। क्या सर इस पे भी कुछ करना चाहिए? क्या है? ये एक रीजन है कि इंडिया के स्टैंड अप होने में शायद तकलीफ जा रही है? राज, अगर मैं वर्किंग आवर्स को लेके बैठूं, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूं, अगर आपको काम को लेके आप बहुत अपने आप में पैशनेट हो तो 9 या 15 घंटे भी पता नहीं चलते जी। तो मेरा उससे पहले एक एडवाइस यही है कि जो आप काम कर रहे हो, वो जो काम को आप दिल से फील कर सकते हो, अपने बाय हार्ट, माइंड, सोल, फिजिकली अपने आप को अलाइन कर सकते हो, ऐसे ही काम करने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम आएगा अभी। और ऊपर से गवर्नमेंट भी अभी 4 days इन अ वीक का कंसेप्ट चालू करने की सोच रही है, सो दैट ऑलमोस्ट फॉर वर्किंग 48 hours इन 4 days, यानी ऑलमोस्ट 12 घंटे होते हैं, हर किसी के पास 3 दिन रहेंगे एंजॉय करने को। मोटामेटी कह लो 4 दिन अच्छे से काम करो और 3 दिन एकदम फुल ऐश करो। पर सर, क्या हमें 3 दिन की छुट्टी की जरूरत है? आई वॉज कमिंग टू द लेबर लॉज, आई वॉज कमिंग टू द न्यू लॉज ऑफ वर्किंग। मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, जिनको स्टार्टअप्स करने हैं वो 4 दिन ऐसे 12 घंटे काम करे, अगले 3 दिन अपने स्टार्टअप पे फोकस करे। पर सर, स्टार्टअप को चूज कैसे करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हर किसी के दिमाग में स्टार्टअप तो क्वेश्चन आता है, लेकिन कोई समझता नहीं कि स्टार्टअप कैसे चालू करना है। स्टार्टअप के लिए सबसे
इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं। पहली एक तो आइडिया कि भाई आप क्या नया कर रहे हो। नया कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई किसी ने नहीं किया आज तक और आपने कर लिया। एक ये भी होता है स्टार्टअप, किसी ने नहीं किया, एकदम इनोवेटिव आइडिया, बेहतरीन आइडिया जो आज की नीड है। और दूसरा ये होता है कि बहुत लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। अच्छा, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 50 लोग मार्केट में आपने नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप उनसे बेहतर कर सकते हो, आप उनसे अच्छे से कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो जैसे ओला आई, ओला के साथ उबेर भी आ गई, उबेर के बाद फिर और दो तीन टैक्सी वाले आ गए। ओला उबेर के बाद आई जी, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस मॉडल इन्होंने यूएस और बाकी जगह देखा अच्छा चल रहा है, देन इंडियन स्टार्टअप ने इसको चालू किया और आज सक्सेस स्टोरी सबके सामने है। तो अगेन ये मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि ऑलरेडी मॉडल था, दे हैव स्टार्टेड, उसके बाद भी कई सारे मतलब छोटे मोटे कई लोगों ने चालू किया। मतलब ओला के लेवल पे कोई डेफिनेटली नहीं पहुंच पाया है, तो ऐसा नहीं है। मतलब आप अगर कोई चीज अच्छी कर सकते हो तो दूसरों के भी मॉडल पे आप काम करके अपने आप को बेहतरीन रूम में अगर कस्टमर सर्विस देते हैं, अच्छी अपनी सर्विस होती है, तो डेफिनेटली आपका प्रोग्रेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बाकियों से बेहतर होता। लेकिन जब चॉइस लेने की बात आती है तो इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी है, इंडस्ट्रीज में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, चूज कैसे करें? मैं पहले भी क्या फादर के बिजनेस को एक लेगेसी लेकर बस एक नए तरीके से उसको ऑफर करना, क्या ये स्टार्टअप बोला जाएगा? मैं अगेन बोलता हूँ, पहले आपको दिल को क्या छूता है वो पता करो। फादर का बिजनेस अगर आपके दिल के करीब है, इसी फील के नहीं है, फादर ने इस पे 20 30 40 साल इसमें अपनी पूरी जान झोंकी है और इस चीज को मैं अपने फादर को एज अ रिवार्ड इसको आगे 10 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देना चाहता हूँ, ये भी आपका एक बिजनेस मॉडल हो सकता है। सेकेंड, अगर आपको लगता है नहीं यू आर नॉट बॉर्न फॉर दैट, यू कैन नॉट सी योर सेल्फ कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो आप कुछ नई चीज ट्राई कर सकते हो। और जब नई चीज ट्राई करने की बात कहता हूं मैं, तो इट इज समथिंग इनोवेटिव थिंग्स। इनोवेटिव थिंग्स में रिस्क भी ज्यादा है, प्रोस्पेक्ट भी ज्यादा है। क्योंकि आज अगर आप, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था, प्रॉब्लम्स एक तरफ से मैं देखता हूं इट इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटीज, जितनी प्रॉब्लम्स है उतनी अपॉर्चुनिटीज है। और जो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लार्जर एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की नीड पूरी करती है, वो बिजनेस मॉडल बन सकता है। तो पास्ट में आप जितने भी मॉडल आप देख रहे हो, जैसे अभी ओला का ही आपने एग्जाम्पल लिया, ओयो का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एन नंबर में कट शॉर्ट में ही देखूंगा उसको, कि इनकी नीड थी लोगों की कि भाई आज मुझे यहां से यहां जाना है, टैक्सी पकड़ना है, मुझे 500 रुपए लग जाते हैं हार्डली 5-10 किलोमीटर के। वो उन्होंने 150-200 रुपए, कुछ इनिशियली 50-60 रुपए में भी प्रमोट किया, नीड थी, इकोनॉमिकल वे में डाला। जो ड्राइवर को रोज 500-1000 रुपए की इनकम होती थी, उनकी कम से कम 2500-3000 की इनकम ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो इट्स अ विन विन मॉडल, जो काम करता है उसका भी फायदा होता है और जो कस्टमर होता है उसका भी फायदा होता है। ऐसे जो बिजनेस आइडियाज जो आज भी आई थिंक 5% ही एक्सप्लोर हुए, 95% अभी भी हिडन है, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आज के यंग माइंड्स, यंग यूथ्स जो है, जो अगेन सोचते हैं, मैं बोलूंगा नहीं कि चलो सर्विस, डेफिनेटली हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ऐसा सर्विस कैटेगरी में ही देखते हैं, डेफिनेटली दे शुड गो फॉर सर्विस। आई एम नॉट डिनाइंग कि उनको अपने यहाँ लाइन छोड़ देनी चाहिए, आप सर्विस में करिए, बट एक सेगमेंट जो है जो अपने आप को सर्विस में प्रॉपर नहीं देखता। मैंने बीच में पढ़ा भी था, मतलब जो लोग सर्विस करते हैं 80% अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो बाय कंपल्शन रॉन्ग कैटेगरी के या रॉन्ग टाइप का काम कर रहे हो, और कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जो शायद वो काम करने के लिए नहीं है, दे आर बॉर्न फॉर समथिंग एल्स। तो ऐसे अपने आप को पहचानना जरूरी है। अगर हमने अपने आप को पहचाना और सही काम किया, डेफिनेटली इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी डेली सुबह से जो शाम तक का, मैं कई बार ये शब्द भी यूज किया हूं, मॉर्निंग उठने से और शाम के सोने के तक आपको अपना दिन बहुत अचीवेबल फील हो, ऐसे काम करो। सर, चूज हो गया कोई, आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी युवा ने एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बना ली, एक बिजनेस को चूज कर लिया,
सर जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, लड़का पिता के पास जाता है, बोलता है पापा अब ये बिजनेस मॉडल सोचा है, सर फादर वही नमस्ते कर देता है बच्चे को कि बैंक के पास जाओ। दो चीजों पे से बात करूंगा, फर्स्ट बिजनेस मॉडल, हाउ टू कंसेप्चुलाइज इट एंड देन फंडिंग। ओके, तो फंडिंग का जब सवाल आता है तो फादर का बैंक का नंबर आता है। तो कंसेप्चुलाइज करना, मैंने जैसे पहले बोला, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रॉपर अपनी रिसर्च करो, पढ़ाई हर किसी ने अच्छा है, इंटीरियर लिटरेसी और सब चीजें, ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स, और जो माइंड है यंग जनरेशन का, इट्स मतलब बहुत अच्छे लेवल पे है। आज तक के अगर मैं हिस्ट्री में देखता हूँ, लोग अच्छा अपनी क्रिएटिविटी के साथ सब चीजें कर रहे हैं। तो क्या नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस हमें देनी है, कस्टमर की नीड है कि नहीं है। अगर कस्टमर की नीड है तो उस कंसेप्ट बिजनेस आइडिया को वर्क करने का मतलब है। अगर नीड नहीं है तो आई थिंक मे बी आप रॉन्ग टाइम पे हो, थोड़े समय वेट करो और फिर उस पर काम करो। अब एक बार ये दोनों चीजों को अगर आपने मैरी कर लिया कि नीड भी है और आपके पास प्रोडक्ट एंड सर्विस का आइडिया भी है, फिर नेक्स्ट आता है बिजनेस प्लान। अब ज्यादातर मैंने यही देखा, स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट 15-20 में से एक या दो ही सरवाइव करते हैं, बाकी क्लोज हो जाते हैं जी। उसके अलग अलग रीजंस भी मैंने इतने सालों में एनालाइज की। पहला, सबसे पहले आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए, वर्केबल बिजनेस प्लान। वर्केबल बिजनेस प्लान की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी किस मॉडल पे अपना काम करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी को इन्वेस्टमेंट करके लाना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो प्रोप्राइटरशिप काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी के मॉडल में काम करना पड़ेगा। आप एज अ लोगों को जोड़ना चाहते हो तो इट कैन बी अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो एक मर्ज के बाद आता है आपका बिजनेस बेसिकली मॉडल। अब बिजनेस मॉडल की हम जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फिजिबिलिटी प्लान होना जरूरी है। अगर एक बिजनेस मॉडल आप बनाते हो जो ओवर अ पीरियड लॉस से प्रॉफिट में नहीं आता तो आपका प्लान ही गलत है। ऐसे प्लान पे मैं बोलता हूँ काम ही नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अदरवाइज आपकी बहुत स्ट्रांग बैकिंग है और बहुत सॉलिड आपका प्रोस्पेक्ट उस प्लान का। कि जैसे ई कॉमर्स का इंडिया में हमने देखा कि ओवर अ पीरियड 5-8 साल इसके बाद प्रोस्पेक्ट बहुत हाई है, तो फंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अदरवाइज ये मॉडल 90% जो अपने स्टार्टअप्स है इनकी डेथ ही दरी हो जाती है। 6 महीने 1 साल चलते हैं, फंडिंग होती नहीं, पैसे रहते नहीं, जो उनके पास थोड़ी मोस्ट सेविंग होती है या माँ बाप से अरेंज कर पाते हैं वो भी एंड हो जाते हैं, अल्टीमेटली उनका बैकअप खत्म हो जाता है, फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। तो एक जो क्रिएटिव माइंड लेके जो बच्चा मैदान में कूदता है फाइनली एंड अप हो जाता है फेलियर के साथ। तो वो एक चीज का अगर शुरू में थोड़ा ध्यान रखे तो सक्सेस रेशियो इंप्रूव होगा। मैं नहीं बोलता 100% सक्सेस होगा, इंप्रूव होगा जी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज में आता हूं, आपने जो बोला सोर्सिंग, फंड की सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। निकाल लिया आपने, पहले साल मुझे 1 लाख, दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल 5 लाख, ऐसा मुझे लगेगा। अब ये पैसे पहले साल आपने अरेंज कर लिए, अब दूसरे साल कहां से आएंगे, तीसरे साल कहां से आएंगे। फिर अगेन यू हैव टू अल्टरनेटिव्स, पहले खुद की सेविंग जो थी, नेक्स्ट आपके पेरेंट्स, उसके बाद आउटर फाइनेंसर्स जो भी कह लो, बैंक्स और ये सब। बैंक्स भी मैं नहीं देखता, आज का जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स को लेके बहुत फेवरेबल है। 90% जो बैंकर्स है आपकी पहले ही बोलेंगे 3-4 साल की कम से कम बैलेंस शीट दिखाओ जी, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, फिजिबिलिटी है, तो लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे जी। तो जब इतनी आपकी अच्छी सक्सेस स्टोरी होती तो आप शायद बैंक के पास भी नहीं जाते, तो वो चीज वहां एंड अप नहीं होती। अब पेरेंट के पास जाते हो, डेफिनेटली पेरेंट्स की अपने कुछ फ्यूचर सेविंग्स होती है, बट उसमें भी मैं बोलूंगा पेरेंट्स को बार बार, पिछले बार भी आई हैव रिक्वेस्टेड कि कहीं ना कहीं अगर बच्चों को जो भी पॉसिबल है, जब तक कोई अच्छे काम के लिए बच्चा काम कर रहा है तो सपोर्ट करना चाहिए। जैसे हम बाकी सब चीजों में हम बच्चों को देखते हैं कि भाई पढ़ाई के लिए हमको पैसा बच्चों को देना ही देना है, मैरिज के लिए देना ही देना है, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं स्टार्टअप के लिए सेविंग करनी चाहिए और बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। सर सोसाइटी जो है वो स्टार्टअप्स को जिस नजर से देखती है, अप्रिशिएट करती है और मोटिवेट करती है, सर उस
के लिए भी उस किस्म का माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। यार सोसाइटी तो हम लोगों से ही फॉर्म होती है, हम लोगों का माइंडसेट बदलेगा तो सोसाइटी का ऑटोमेटिक माइंडसेट बदलेगा। आज माइंडसेट है प्रॉब्लम हम लोगों के, तो हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को लेके पॉजिटिव नहीं है। आज पेरेंट बच्चों को एनकरेज नहीं करते, रिलेटिव्स एनकरेज नहीं करते, इवन कॉलेजेस में टीचर्स एनकरेज नहीं करते, दे आर मोर फोकसिंग एंटरप्रेन्योरशिप सेल देख लो बहुत गिने चुने कॉलेजेस में है, अदरवाइज एवरीबडी हैज प्लेसमेंट सेल जहां बच्चों को उठाया तैयार किया और किसी न किसी कंपनी में प्लांट कर दिया। कोई कम कॉलेजेस में R&D के ऊपर बच्चों के कोई काम नहीं है रिसर्च और करने के लिए, तो ये सब इकोसिस्टम ही अपना अगर वैसा हमने बनाया नहीं तो हम किसको ब्लेम करेंगे। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है मैं खुद में एज अ सोसाइटी सुधार लाना चाहिए, देन डेफिनेटली ये चेंज जो आप बोल रहे हैं आ जाएगा। सर आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया एंटरप्रेन्योरशिप सेल, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में अब इस किस्म की चीजों की जरूरत है ना कि सिर्फ प्लेसमेंट सेल की? ये चेंज ऑलरेडी अगर मैं देखूं NAAC और MBA के एक्रेडिटेशन में अगर आप उनके पैरामीटर्स देखते हैं तो ये ऑलरेडी उनके पैरामीटर्स में कवर्ड है। अब गवर्नमेंट आई थिंक मे बी ये साल या अगले साल तक कंपलसरी करने वाली है एक्रेडिटेशन थ्रू NAAC MBA सभी कॉलेजेस के लिए, टेक्निकल कॉलेजेस के लिए। अब मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो कॉलेज ओनर्स हैं, इंस्टीट्यूशन ओनर्स हैं, उनसे एक ही दरख्वास्त है कि भाई ये जो एंटरप्रेन्योरशिप सेल है उसमें हम रिक्वायरमेंट में दिखाते हैं उसको महज पेपर पे ना रखते हुए एक्चुअली इसको ऑपरेशनलाइज करें। उसका जो बेनिफिट है रियल सेंस में बच्चों को जाना चाहिए। आज डे बाय डे बच्चे थोड़े से जागरूक हो रहे, अब वो उनके कॉलेज में ही अगर वो सिस्टम उनको हेल्प करता है कहीं ना कहीं, मे बी एक वीकली फोर्टनाइटली बच्चों में अगर हम क्लासेस करते हैं, किसी बाहर से पर्सन को लाते हैं जो थोड़ा उनको एक एक्साइटमेंट लाए कि यस यू कैन ऑल्सो डू एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एटलीस्ट 4-5 years, देन यू कैन प्लान फॉर योर वॉट एवर यू आर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एंटरप्रेन्योरशिप सेल जो इन्होंने बनाया है उसमें एकदम से एक्टिविटी या एक्टिवनेस उसका बढ़ जाएगा जो आज बहुत कम है। दैट इज रियल मीन्स यू कैन गो टू एनीवेयर, आप एकदम सरप्राइजली चले जाइए, इट विल यू विल फाइंड इट एम्प्टी। बस जिस दिन मे बी कोई कमेटी या कुछ रही तो पूरी एक्टिविटी आपको वहां दिखाई देगी। तो वही एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रियल सेंस में अगर उसको यूज में लाए बच्चों को थोड़ा सा उनको काउंसिल करके, देन इट विल बी ग्रेट हेल्प टू स्टूडेंट ऑल्सो एंड टू द नेशन ऑल्सो। सर एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था अंदाज अपना अपना। सर आपने वो फिल्म देखी? हाँ देखी। तो सर उस फिल्म में परेश रावल का जो जुड़वा भाई रहता वो उसको जेल में डाल देता आखिरी में किडनैप करके, तो आखिरी में उससे मिलने जाता तो बोलता तुम इतने पैसों का करोगे क्या, तो उसमें वो परेश रावल बोलता है कि मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, पहले मैं अंडे निकालूंगा, फिर वो अंडे से मुर्गियां होंगी, फिर मैं ऑमलेट बेचूंगा, फिर ऑमलेट के साथ पाव भी मैं ही बनाऊंगा और मैं ही बेचूंगा। तो ये सर ये जो कॉन्सेप्ट है टू क्रिएट योर ओन लाइन ऑफ बिजनेस, क्या सर इस किस्म का जो लाइन ऑफ बिजनेस है ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंड अप ये सब राज स्केलेबिलिटी की आप जो बात कर रहे हो ये आती है पहले आपने जो चीज देखे, पैसा किसी के पास पहले ज्यादा नहीं होता, ये फैक्ट है। मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योर आज भी 41-45,000 जो भी लोग हैं सभी की कहानी 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख इससे ही चालू हुई है। तो पैसा इनिशियली किसी के पास ज्यादा नहीं रहता, कम से चालू करते हैं, तो इसमें डेफिनेटली हो जाता है आज किसी को मैन्युफैक्चरिंग चालू करनी है, जहां 5 करोड़ रुपए लग रहे वहां 5 लाख में कैसे करेगा जी। तो दीज पीपल कैन फर्स्ट स्टार्ट थ्रू सेल्स, प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करिए। तो इसको कहते एक तरह से मैं मेरी भाषा में कहता हूं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना। पहले ट्रेडिंग करते करते प्रोडक्ट का आपको समझ में आएगा कि मैं 1,000-2,000 माल बेच लेता हूं जी, फिर उसको 1,000-2,000 से 5,000-10,000 रुपए कैसे पहुंचू, उस पर काम करो, मैं भी अपने नीचे 5-6-8 लोग लगाओ, फिर ये करके 5-10,000 की कैपेसिटी का एक छोटा सा आउट फैक्ट्री या प्रमाइसिस अपना चालू कर सकते, फिर वो इंटीग्रेशन भी हो सकता है कि आप फिनिश प्रोडक्ट लेके फिर वहां से काम कर रहे हो, सेमी फिनिश लेके काम कर रहे हो, फिर सेमी फिनिश का भी आप क्रूड फॉर्म या कुछ रॉ मटेरियल लेके काम कर रहे हो, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी आप जा सकते हो, पीछे एक और आउटलेट बिठा दिया
जो वो सेमी फिनिश को फिनिश कर रहा हो, फिर एक और बिठा दिया जो रॉ को सेमी फिनिश कर रहा हो। इस टाइप से आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके यू कैन स्केलेबल योर मॉडल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज जनरली ज्यादातर लोगों की सक्सेस स्टोरी ऐसे ही चल रही है। तो ये चीज मेरी एडवाइस है कि जो बच्चे हैं, मतलब ये चीज का ध्यान रखें, पहले बहुत बड़ा करने की कोशिश मत करो, 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे अपने मत देखो, छोटे से चालू करो, उसको स्केलेबल बनाओ, क्या कहते हैं फिजिबल मॉडल पे काम करो, प्रोटोटाइप पे काम करो। प्रोटोटाइप में अगर मैं ये बोलता हूँ आपका 1 करोड़ 5 करोड़ का मॉडल है तो 50,000 1 लाख का उसको प्रोटोटाइप बनाओ, छोटा मॉडल बनाओ, उस पर रन करके देखो, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको समझ में आएंगे। 1 करोड़ 5 करोड़ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड जब पता चलेंगे तब तक 1 करोड़ से 5 करोड़ की चोट खा चुके हो। तो वो चीज को जितनी आप बेयर कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने पे आप अपना काम करो, उतने एक प्रोटोटाइप पे काम करिए, बिजनेस मॉडल आपको खुद समझ में आ जाएगा, वर्केबल हुआ तो उसको स्केलेबल करो। स्केलेबल तभी हो पाएगा जब वो वर्केबल है और बाद में आप इन्वेस्टर्स को भी दिखा सकते हो, यार मैंने ये इतने से यहां तक लेके गया हूं, तो लोग भी आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। सर मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे। सर पहला तो ये कि जो आपने रिस्क इन अवार्ड की बात करी, सर क्या, क्योंकि जिस किस्म की सोसाइटी है हमारी सर, बहुत कम कम्युनिटीज अगर देखा जाए तो बिजनेस में फुल फ्लेजेडली उतरती हैं, मारवाड़ीज, सिंधीज, गुजरातीज, आई एम मेजरली इनटू बिजनेस। सर मैं आई एम नॉट गोइंग टू अ स्पेसिफिक, मतलब मेरी बातों को गलत दिशा में मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स भी ना लें, लेकिन सर जो हकीकत है वो यही है कि मैक्सिमम पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जॉब करें, सिक्योर्ड जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब उनकी पहली प्रेफरेंस है, दूसरा जॉब उनका मल्टीनेशनल कंपनी है, तीसरा ये है कि बच्चा आउट ऑफ इंडिया चले जाए, बिजनेस कम्स द लास्ट, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, जबकि बाकी ये जो 3 कम्युनिटीज मैंने बोला यहां से सब बचपन से ही पहला प्रेफरेंस जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। पिछले बार भी वही चीज बोली थी, ये कल्चर घर में बिल्डअप होता है। तो जैसा आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण भी दिया कि जैसे कुछ कैटेगरीज जो सोसाइटी में कम्युनिटीज के लोग हैं, इनके बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं से ही फोकस हो जाते हैं बिजनेस को लेकर और बहुत अच्छा भी करते हैं। मैंने मतलब मेरे कई फ्रेंड सर्कल में भी है जो आज की तारीख में बहुत अच्छी स्केल पे काम कर रहे हैं। तो पहली चीज एक ही है कि किसी के बचपन में बच्चों को अपने साथ जोड़ के ये बिजनेस के पूरे जो हुनर है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं। तो इससे जो गलती होने के चांसेस है, देखिए मैं हर बिजनेस में बोलता हूँ इट्स ऑल मेड ऑफ मिस्टेक्स। जितनी गलती आपने ज्यादा की होंगी उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, ये रेशियोस ऑलमोस्ट सबने ट्राइड एंड टेस्टेड माना है आज तक। बच्चे पेरेंट्स की गलती से वो बच्चे सीख जाते हैं, वो गलतियां कम करते हैं। अगर पेरेंट ने 100 किया होगा तो 200 कर लेते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन 500 कर लेती है, उसकी अगली जनरेशन 1000 कर लेती है। इस तरह से वो लोग अपने आप को एक मल्टीप्लाई करते हैं जनरेशन बाय जनरेशन। ये सेम चीज सर्विस क्लास में नहीं है, क्योंकि सर्विस क्लास डरता ज्यादा है, डर बहुत ज्यादा होता है। बट फिर भी मैं एक पेरेंट से बोलूंगा, डरने का पार्ट जायज है कि भाई बच्चा अगर कल सक्सेस नहीं हुआ तो क्या करेगा, कमाएगा क्या, शादी कैसे होगी, बाल बच्चे कैसे पालेगा। इसके लिए सिंपल टेस्टेड तरीका है, नौकरी के साथ साथ 10%, 20%, 30% समय निकाले और अपने मॉडल पे काम करें। इतना समय इनिशियल डेज में सभी बच्चों के पास रहता है। 5 साल मैं बोलता हूं, मतलब मे बी ग्रेजुएशन पीरियड से लेके 1-2 साल पहले भी पकड़ सकते हैं, टिल नेक्स्ट 5 ईयर सिर्फ और सिर्फ उस पर अगर फोकस करते हैं, रियली पैशनेट बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट फॉर ऑल, दोज हु आर पैशनेट, इस पर अगला 5 साल काम करी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनका जो सक्सेस रेशियो है, इवन दो दे हैव नॉट पेरेंट की हिस्ट्री नहीं है कि इन्होंने बहुत बिजनेस किया है, बट उनका सक्सेस रेशियो बेटर हो सकता है इनिशियल डेज में अगर वो मेहनत से काम करते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे, जिस किस्म का वातावरण इस वक्त है देश में, मैं करुणा
की तरफ पूरा ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहता, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जहां पर एक तरफ हम यू नो हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं आत्मनिर्भर भारत में, जहां पर हमने आपने ये मेंशन किया था कि किस तरह से हम चाइना से भी आगे बढ़ सकते हैं, उनकी इकोनॉमी को टक्कर दे सकते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या वो उस किस्म की पॉलिसीज फॉर अ स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट या स्टैंडअप इंडिया प्रोजेक्ट या बाय इनटेक डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, क्या उतना ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है या आपके हिसाब से अभी भी कहीं ना कहीं कमी है? देखिए मैं अगेन इसको बोलूंगा, जितना पार्टिसिपेशन हम लोगों की तरफ से जाएगा उतना गवर्नमेंट का फोकस बढ़ेगा। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है। अच्छी अच्छी स्कीम्स ऐसा नहीं है पिछले 70 सालों में नहीं आई, कई बार आई, अच्छी चली भी, बट जहां पे लोगों का रिस्पांस नहीं मिला गवर्नमेंट ने वो स्कीम भी एंड अप कर दी। तो अगर कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, आज मतलब 50,000 स्टार्टअप से कहीं ना कहीं 1 लाख स्टार्टअप, 2 लाख स्टार्टअप अगले 5 साल में होते हैं, मे बी 10 लाख होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिगर देख के गवर्नमेंट का भी, क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर ये 50,000 अगर स्टार्टअप आज अगर कंट्री में मे बी 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे होंगे, ये सीधा 10% 10 टाइम से शूट हो जाता। तो उनका भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट है, उनका भी जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये चीज अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा उसको लेके, अगर सक्सेस रेशियो लोगों का अच्छा रहा, लोग मतलब पॉलिटिकल स्नैरियो भी उस हिसाब से चेंज होगा। आज इनिशिएटिव है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट इनिशिएटिव में फोकस जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है मिसिंग है, जो ओवर अ पीरियड पब्लिक के सेट ऑफ माइंड चेंज होता है तो गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं फोकस चेंज होगा। सर आखिरी सवाल बोलिए सर, इंडिया कब तक स्टैंड अप हो जाएगा? पिछले बार भी शायद इनडायरेक्टली ये सवाल आपने किया था कि जीडीपी कब तक 5 ट्रिलियन पहुंचेगी डॉलर। स्टैंड अप अगेन कुछ अजम्पशंस और पब्लिक परसेप्शंस पे कह सकता हूं मैं, मतलब आज जो रेशियो अगर मैं पिछले 5 सालों का देखता हूं तो अगले 5 साल बहुत क्रूशियल है। एक ठीक है, जैसे मैंने बताया एक वर्ल्ड का थर्ड इकोसिस्टम है इंडिया स्टार्टअप्स के लिए, अगेन वी आर द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड एज फार एज एवरेज एज इज कंसर्न्ड, तो पोटेंशियल बहुत है। जैसे मैं बताया कई मल्टीनेशनल कंपनीज अभी इंडिया में शिफ्ट हो रही है, हम देख भी रहे हैं, मतलब जो ये शिफ्ट के साथ साथ कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। तो इसको अगर हमारे यूथ ने अच्छे से एनकैश किया इस पीरियड में, जो उन्होंने भी अगर पूरा अपना ध्यान अपने बिजनेस अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे रखा, तो मुझे लगता है अगला 5 साल कैन बी ए डिसाइडिंग फैक्टर फॉर इंडिया। सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, एवरी टाइम व्हेन आई स्पीक टू यू वी गेट टू लर्न समथिंग रियली न्यू एंड रियली इंस्पायरिंग, सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस Every time you meet. Thank you so much. Thank you much. आज राज की बात में राजीव चांद सर से मुलाकात के बाद जो बात समझ में आई वो शायद यही समझ में आई मेजरली कि स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया कि अगर शब्दों का फेरबदल हम करें तो इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड और इंडिया में सबसे पहला जो अक्षर है वो है आई, तो शायद आय को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आय को पहले कोशिश करनी पड़ेगी। आय मतलब मैं, मतलब आप, मतलब हम सब, शायद हम सब मिलकर खुद स्टैंड अप होने की कोशिश जब करेंगे हमारा देश अपने आप स्टैंड अप हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे ही मौसम में प्यार जमा होता है, दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फलसफा तो आंखों से बयां होता है। आंखों में रखिए तेज, आंखों में सपना देखिए और सपने को साकार करने की कोशिश अगर आपने करी तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा और उन सब में हम ये कह पाएंगे कि वाकई में इंडिया स्टैंड अप हो गया।
कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपसे जो हो सकता है करें, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तो हम सब आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।